3, 2, 1. We have ignition. हेलो दोस्तों, 14 जुलाई यानी कल का दिन इसरो, इंडिया और इंडियंस के लिए बहुत खास दिन रहा, क्योंकि कल दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। इसरो चीफ एस सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, क्या है चंद्रयान 3 का महत्वाकांक्षी मिशन और क्या है इसका उद्देश्य, जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। इसरो का चंद्रयान चांद पर उतरने के लिए पृथ्वी से रवाना हो चुका है। इसरो ने कल इसे लॉन्च किया और अगर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग सफल रहती है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि 22 जुलाई 2019 को इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। करीब 2 महीने बाद 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश के दौरान विक्रम लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसके बाद से ही इसरो चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी कर रहा था ताकि चंद्रयान 2 के अधूरे मिशन को पूरा किया जा सके। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन इसरो के चंद्रयान 2 मिशन का फॉलो अप मिशन है, यानी पिछली बार जो गलती हुई थी उसे सुधारने और अपनी एबिलिटी को प्रदर्शित करने का मिशन। चंद्रयान 3 का कुल बजट करीब 615 करोड़ रुपए बताया गया है, यानी आदि पुरुष मूवी के बजट से कम। खास बात यह है कि इस बार चंद्रयान 2 की तरह इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है और आज भी बिल्कुल फिट है। चंद्रयान 3 में इस बार प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर होगा और यह चंद्रमा 2 के ऑर्बिटर के जरिए संपर्क साधेंगे। लैंडर रोवर से मिली जानकारी को चंद्रयान 2 ऑर्बिटर या सीधे लैंडर के जरिए इसरो का डीप स्पेस नेटवर्क रिसीव करेगा। इसरो के अनुसार लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 मून की सतह से 100 किलोमीटर से ऊपर के गोलाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल 100x30 किलोमीटर के अंडाकार कक्षा में आएगा, जहां पर प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को छोड़ देगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल उसी कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा जबकि लैंडर चांद की सतह पर उतरना शुरू कर देगा। चंद्रयान 3 के लैंडर में इस बार 4 इंजन लगे हैं जिन्हें थ्रस्टर्स कहा जाता है। हर इंजन 800 न्यूटन की एनर्जी जनरेट करता है। इसके अलावा लैंडर के चारों दिशाओं में कुल 8 छोटे इंजन लगे हैं जो यान को दिशा देने और घुमाने में मदद करेंगे। इनको लैंडर प्रोपल्शन सिस्टम कहा जाता है। इनकी मदद से लैंडर चांद की सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे उतरेगा, लेकिन यह सतह पर उतरते समय 0.5 मीटर पर सेकंड की गति से होवर करेगा, यानी जैसे जमीन के ऊपर हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उतरता है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर में लैंडिंग की जगह का नेविगेशन और कोऑर्डिनेट्स पहले से फीड हैं। इनमें सैकड़ों सेंसर्स भी लगे हैं जो लैंडिंग और अन्य कार्यों में मदद करेंगे। लैंडर की लैंडिंग के समय ऊंचाई, लैंडिंग की जगह, गति, पत्थरों से लैंडर को बचाने के लिए सेंसर्स मदद करेंगे। चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर 7 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग शुरू हो जाएगी। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते ही इसके सेंसर्स काम करने लगेंगे। सेंसर्स के अनुसार ही लैंडर अपनी दिशा, गति और लैंडिंग साइट का निर्धारण करेगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान 3 की सबसे खास बात यह है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी रोवर का कुल वजन मात्र 26 किलोग्राम है, लेकिन इसके लैंडर मॉड्यूल का वजन 1726 किलोग्राम और इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल का वजन 2148 किलोग्राम और इन सबको अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले रॉकेट LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का वजन 640 टन यानी 640,000 किलोग्राम है और इस रॉकेट की ऊंचाई 43.5 मीटर है। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, चंद्रमा पर रोवर के विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन करना, चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना, चंद्रमा पर पड़ने वाली रोशनी और रेडिएशन का अध्ययन करना, चांद की थर्मल कंडक्टिविटी और तापमान की स्टडी करना, लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की स्टडी करना, प्लाज्मा के घनत्व और उसके बदलावों का अध्ययन करना। दोस्तों,
चंद्रयान में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतरग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और प्रदर्शित करना है। लैंडर में एक स्पेसिफाइड लूनर डेस्टिनेशन पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता होगी, जो अपनी मोबिलिटी के दौरान चंद्र सतह का रासायनिक विश्लेषण करेगा। लैंडर और रोवर के पास चंद्र सतह पर प्रयोग करने के लिए साइंटिफिक पेलोड है। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुख्य कार्य लैंडर मॉड्यूल को रॉकेट इंजेक्शन से लास्ट चंद्र 100 किलोमीटर गोलाकार ऑर्बिट तक ले जाना और लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करना है। साथ ही इसमें स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ डेविटेबल प्लेनेट अर्थ पेलोड लगा है, जिसके जरिए इसरो चांद की कक्षा से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल एंड पोलरीमेट्रिक मेजरमेंट का अध्ययन करेगा। इस मॉड्यूल को लैंडर मॉड्यूल के अलग होने के बाद स्टार्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।